फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं पालक मटर की ऐसी टेस्टी सब्जी जो बहुत ही खाने में लाजवाब और कम मसालों से बनने वाली है। सिंपल तरीके से, सिंपल मसालों से बनने वाली है ये सब्जी जो खाने में बहुत ही लाजवाब। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो ये आज आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पालक को हम उबाल लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड करके हम तब तक मसाले की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें अनियन और लहसुन का हमें पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमें टमाटर और ग्रीन चिली का भी पेस्ट अलग बना के रख लेना है। इन चीज़ों का पेस्ट जब बना के रख लेंगे, उसके बाद हमें कुकर लेना है। उसके बाद कुकर में हम तेल डालेंगे। उसके बाद ही हम पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। तो प्याज को जब तक होने देंगे, उसके साथ ही हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे उसके साथ, और एक मोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। बहुत ही कम मसालों से बनेगी सब्जी। और हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद लाल मिर्च। अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए साइड में, तो हम भूनते जाएंगे। उसके बाद आपको फ्रेश ले लेनी है, या तो आप मार्केट से मंगा सकते हैं, या फिर घर के, मैंने तो घर के यूज़ किए फ्रेश मलाई, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ही उसे पकने देंगे। थोड़ी देर बाद हम मटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप ये मानिए, बहुत टेस्टी लगेगी आपको, बिल्कुल पालक पनीर का ही टेस्ट याद दिलाएगा आपको। तो ये इसको मैंने मटर डाल दिया हमने। उसके बाद इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। उसके उसे पकने देंगे अच्छे से। उसके बाद तो देखिए गर्मा गर्म तैयार है। खाइए, इंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।